तो देश भर के तमाम एग्जिट पोल से हम चर्चा कर रहे हैं, आखिर एजेंसीज क्या बता रही हैं, क्या उनका परिणाम है और किस ओर इशारा कर रही है। हालांकि रिजल्ट आने में अभी समय है, लेकिन फिर भी अभी कुछ आंकड़ों के जरिए एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है। तो यूपी में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिलती हुई नजर एग्जिट पोल के हिसाब से आती है। जितने भी एग्जिट पोल अभी तक हमने देखे और जिन पे चर्चा की, उसके हिसाब से यूपी में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हम उसको देख पा रहे हैं। एबीपी न्यूज और नीलसन का जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से भी छठे फेज के बाद ही बीजेपी 134 और 170 के पास जाके दिखती है। सपा कांग्रेस 133 और 164 के पास दिखाई देती है। तो यूपी में बीजेपी को बढ़त है और इस बढ़त के साथ सेकंड पोजीशन पे सपा और कांग्रेस का अलायंस नजर आता है। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एग्जिट पोल परिणाम में कितना तब्दील होंगे इसके लिए अभी 2 दिन का इंतजार करना होगा। तो छठे फेज के बाद बीजेपी को 134 और 170 सीट एबीपी नीलसन का ये है। सब पर कांग्रेस गठबंधन को 133 से 164 सीट का अनुमान मिलने का बताया जा रहा है। यूपी में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, इस तरह की बातें ऑलमोस्ट सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्तराखंड से अलग यूपी की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में कई जो सर्वे हैं वो नेक टू नेक भी बता रहे हैं दोनों ही पार्टियों को। कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक दिखाई देती है उत्तराखंड में, लेकिन एकाध सर्वे में यह भी कहा गया कि 53 के आसपास भी पहुंच सकती है बीजेपी उत्तराखंड में। तो सपा कांग्रेस का गठबंधन दूसरी पार्टी के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन पहली पार्टी बढ़त के तौर पे नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। और सभी खास अहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल किशोर साहब, ऑलमोस्ट जितने भी आंकड़े हम देख पा रहे हैं, जितने भी सर्वे देख पा रहे हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये वाकई बढ़त आपके हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर इससे आगे ये जीत बढ़ेगी, आंकड़ा कुछ और भी हो सकता है? देखिए, जो भी एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा सीटें जीत करके आ रही है, और इसलिए आ रही है कि जनता परिवर्तन करना चाह रही है। जनता ने जो वोट दिया है वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो जनता परेशान थी उसमें उसके पहले बीएसपी की भी सरकार को देखा और उसके भ्रष्टाचार के शासन को भी देखा। सबसे बड़ी बात जो है, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही कि हम तहसील लेवल पर मुख्यमंत्री से संबंधित एक कार्यालय खोलेंगे जिसमें जनता सीधे शिकायत कर सकती है। इसके पहले की जो सरकारें रही सपा और बसपा की, वो मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए, मुख्यमंत्री कार्यालय में कभी बात नहीं कर पाए। तो जनता का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ा। और हमारे एक साथी अभी बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि अपर कास्ट का वोट, और ये सही है कि पिछड़े वर्ग में जो है वो गैर यादव में भी 10 से 15% वोट हमको मिला है, और गैर यादव वोट जो पिछड़े वर्ग का है वो बड़े पैमाने पे वोट बीजेपी को गया, और दलित में भी अनुसूचित जाति जनजाति में भी गैर जाट वोट तो 2014 वोट जो है समझदार वोट जो है फॉर्मूला जो वो भी गया है, वो सर्वे का नहीं इसमें हुआ, इसमें हुआ। मैं भी रामेश्वर पांडे जी इसमें भी हुआ है, इसमें भी रामेश्वर पांडे जी हुआ। क्या 2014 की स्टाइल में ये आंकड़े हम समझ सकते हैं जो कौशल किशोर समझा रहे हैं? क्या वाकई ये वोट बैंक जिसकी बात करने गैर यादव या फिर दलित, ये शिफ्ट हो चुका है बीजेपी को? क्या आपके विश्लेषण ये कहता है? देख घनश्याम, देखिए दो कुछ वक्त दीजिएगा जी। ये एग्जिट पोल बहुत विफल भी हुए हैं, कई बार बहुत सटीक भी हो गए। बिल्कुल, ये एग्जिट पोल पॉपुलर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और कितने वैज्ञानिक ढंग से सैंपल सर्वे किए गए हैं। हम पत्रकार लोग भी, अब पत्रकार अलग अलग एक आकलन होता है, हम जैसा चाहते हैं उस तरह करते हैं। मैं बतौर स्टेट हेड जागरण के बिहार के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ यूपी के। हम पत्रकार एक बने बनाए फार्मूले से होते हैं, जैसे बिहार में इसी तरह सोचा जा रहा था, यही
अमित शाह समझा भी रहे थे, सोच भी रहे थे, इंटरव्यू उनके पुराने देख लीजिए, ठीक है, कि वो कुशवाहा आ गया है और पसमांदा मुस्लिम महाज की स्थिति है और ये लालू और नीतीश का। देखे कई बार होता है कि बदलाव एक समाज में कोई ऐसा एक मुद्दा, एक ऐसी स्थिति होती है कि लोग बदलाव, 5% इस बार लगभग 4% वोट बढ़े हुए हैं, लगभग 1 करोड़ नए मतदाताओं ने यूपी में वोट दिया है और ये मतदाता हमेशा बदलाव की तरफ जाते हैं। मैंने कहा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं पिछले 2-3 चुनाव में हंग असेंबली के दौर खत्म हो गए हैं हर जगह से, आइदर दिस वे और दैट वे, जनता स्पष्ट बहुमत देती है और आपके सर्विस जो पोल है एग्जिट वो हंग की तरफ जा रहे हैं, दिखा रहे हैं बिल्कुल नेक टू नेक। ऐसा नहीं होगा, अगर हंग होता तो भी चौंकाने वाले नतीजे होंगे और अगर भाजपा इन स्थितियों के बाद जीत जाती है चौंकाने वाले ही नतीजे होंगे और बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों सभी पार्टियों ने जातिवाद पर ये लोग तिलमिलाते हैं, जातीय समीकरण पर टिकट बटते हैं, सिर्फ जाति समीकरण पर दोनों जगह, समझ गए, जाति समीकरण धार्मिक समीकरण टिकट बटे हैं और उसी आधार पर वोटिंग भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 10 सालों में जो यंग वोटर हैं, चाहे यादव हो, यंग यादव लड़कों से मैंने कहा, उन्होंने कहा कि क्या सब हम इटावा के लिए कहार बने रहेंगे क्या, मायावती के जो यंग पढ़े लिखे लड़के थे मैंने बात किया, वो एक तरह से घिर जाते हैं कि हम कहां जाएं, मायावती देख रहे हैं कि जो उनका नुमाइंदा होने वाला है उनको बांध के पेड़ पर टांग कर लटका चुका है। तो ये यंग वोटर 1 करोड़ जो हैं वो कुछ कमाल करने वाले हैं चुनाव में, एग्जिट पोल एक पॉपुलर सेंटिमेंट पर इशारा करते हैं, ठीक है सर, और जो हमारी तो पूर्व धारणा है ठीक है सर उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। तो इस हिसाब से अलग होंगे पांडे जी, आपने यंग लड़कों से सर से बात की है, समाजवादी पार्टी के लिए भी बताया आपने, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए भी बताया, तो उनसे आपने बीजेपी के बारे में भी बात की होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बीजेपी के बारे में बात की है। हाँ तो वो भी बताएं। और नहीं, यंग लड़कों में है, अब बनारस में तो हर यंग लड़का मोदी को गाली दे रहा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यंग लड़का उनको समर्थन कर रहा था, तो युवा समुदाय भी अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, हर चौथा आदमी मोदी को गाली दे रहा है वाराणसी, अर्शद आबिद घनश्याम गोरखपुर में समर्थन, बोलिए बोलिए अर्शद, बोलिए घनश्याम जी बोलिए। अभी हमारे बड़े भाई पाठक जी जो है विश्लेषण कर रहे थे, इनका अपना जो है अधिकार है करना चाहिए, अच्छी बात है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इतिहास ये बताता है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली और बिहार का जो वोटर है उसका जो रहन सहन खाना पीना वो अलग छोड़ दिया कि बिहार में कुछ ज्यादा गरीबी है, उत्तर प्रदेश में यानी वेस्टर्न यूपी में ज्यादा अमीरी है, ठीक है, सर जरा सुन लेते हैं कुछ कह रहे हैं। पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से दिखा रहे हैं कई राज्यों में आप लोग सरकार बना जा रहे हैं, अगर पंजाब छोड़ दी जाए और कुछ जगह पे आपने, देखिए जिस प्रकार से हमारी सरकार ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एकदम सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का ध्यान किया है, गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का, शोषितों का, पीड़ितों का, तो सही मायने में पहली बार एक ऐसा माहौल बना है देश में कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है देश की जनता, और यही उत्तर प्रदेश में, यही गोवा में, यही मणिपुर में, यही उत्तराखंड में, ये सब दिखाई दे रहा है। तो पंजाब में रिपोर्ट जो आ रही है अब देखेंगे कि एग्जिट पोल ये है, बाकी एग्जैक्ट पोल क्या होता है, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा 11 तारीख को, हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी परिणति देश के लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मणिपुर गोवा ये सब लोग हमको दे रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में जिस तरीके से सामने आ रहा है एग्जिट पोल के परिणाम प्रत्याशित है, आपको लग रहा है कि आप लोग भी होपफुल थे कि देखिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जैसे हमारे जो नेतृत्व करता है उन्होंने लोगों को विश्वास में लिया है, तो हमें विश्वास था कि हमें ऐसा आएगा
कि लगातार रात दिन जग के हमारे प्रधानमंत्री जी देश के गरीबों, मजदूरों और नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से भी खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अब तक इतना छला जा चुका है कि पहली बार वो अपने सही फ्यूचर के लिए वोट किया है, जिसका 11 तारीख को एग्जैक्ट हम परिणाम देखेंगे। तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं बन सकती है, किस तरीके से देखते हैं? हम तो पहले से कह रहे हैं सरकार बन रही है, मार्जिन कितना है बनता है। नहीं, लेकिन क्या आप होपफुल है? फुल फुल आप लोग आगे दिख रही हैं क्या? अभी एग्जिट पोल में हम आगे ही देखेंगे, क्योंकि हम आगे हैं और आगे ही रहेंगे। 11 मार्च को परिणाम आ रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है, अपना दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आप होपफुल आप अनुमान लगा रही हैं? दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एग्जिट पोल नहीं, आप महिला बिल के बारे में पूछिए। बिल जो पास हुआ है ये एक ऐतिहासिक कदम है हर औरत के लिए, मैंने और हमारे मंत्रालय। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हो जाए। अर्शद आबिद साहब, आपको बीच में रोक दिया था, आपकी आवाज म्यूट हो गई थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो बोल सकते हैं आगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हमारे बड़े भाई पाठक जी, उन्होंने एक सर्वे अब जो किया है, मतलब विश्लेषण किया है, करना चाहिए, अच्छी बात है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, वो लगभग एक से आते हैं। अगर आप पूर्वांचल बुंदेलखंड के हिस्से को जोड़ दीजिए, कहीं बिहार में अमीरी ज्यादा है तो कहीं बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कहीं जो है बिल्कुल जो है दोनों बैलेंस है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन जो हमारा पूर्वांचल और बुंदेलखंड है वो बिहार से मिलता जुलता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। बिहार का वोटर सेकुलर है, उसकी सोच सेकुलर है, उसकी आइडियोलॉजी सेकुलर है। उत्तर प्रदेश का वोटर सेकुलर है, उसकी सोच जो है सेकुलर है, आइडियोलॉजी सेकुलर है। तो बिहार में लोग विकास को पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर जो है नीतीश जी की सरकार आई, और सरकार तब आई नीतीश जी की और लालू जी की जब पूरी भाजपा ने, मोदी जी ने वहां पर लगभग जो है 50 रैलियां की, 27 हेलीकॉप्टर और 12 प्लेन चलते थे, और मोदी जी नीतीश जी एक हेलीकॉप्टर में चल रहे थे और एक कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट चल रहे थे। तो एक तरफ तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर पूरे बिहार को मथा भाजपा के लोगों ने, जितने उनके देश में चीफ मिनिस्टर थे सारे, वो सारे मंत्री, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, किसी प्रकोष्ठ के, किसी मोर्चे के, सब बिहार में चले गए, चुनाव लड़ा, और हर सर्वे ने यह कहा लगभग एक को छोड़कर कि बिहार में सरकार बनने जा रही है, बिहार में सरकार बनने जा रही है, तूफान आ गया है भाजपा का, आंधी आ रही है, सुनामी आ रही है। और जब रिजल्ट आया तो क्या है कि 38 पार्लियामेंट सीटें जीतने वाली भाजपा 38 जीत पाई, और जबकि उनकी साथ जो है रामविलास पासवान भी थे। ठीक है सर, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझ गया अर्शद आबिद, मैं समझ गया, लेकिन आप अगर मुलायम सिंह को और सोनिया गांधी को अपनी कैंपेनिंग के लिए नहीं ला पाए तो इसमें बीजेपी वालों का क्या कसूर सर? आप भी मुलायम सिंह को ले आते कैंपेनिंग के लिए, सोनिया गांधी को भी ले आते। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, नहीं देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो बिहार में जो परिणाम आते हैं उत्तर प्रदेश उससे छूता नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी वही परिणाम आएंगे, और जो परिणाम बिहार उत्तर प्रदेश की जनता देती है, क्योंकि दिल्ली में जो ज्यादा वोटर्स हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के जाते हैं, इसलिए दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश का परिणाम एक ही होता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जिस तरह एक सेकुलर सरकार बनी, दिल्ली में एक सेकुलर सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सेकुलर सरकार बननी जा रही है। ठीक है सर, विकासवादी सरकार बननी जा रही है। ये एग्जिट पोल छोड़ दीजिए आप, एग्जिट पोल में भी आपने दिखाया कि हम भाजपा से 6 सीटें पीछे हैं, 6 फेज तक, 7 फेज में बराबर कर दिया गया। तो ये एग्जिट पोल पे हम ज्यादा विश्वास नहीं करते, बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है, बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है सर, बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। बोलिए आशुतोष जी। नहीं सुन लीजिए सर, सर देखिए, लेकिन आप सर कुछ कॉन्क्रीट बातें भी सुन लीजिए सर, आप रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, परिणाम देख लीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस सरकार बनने जा रही है, और प्रदेश की सेकुलर जनता ने जो विकास चाहती है, विनाश नहीं चाहती, जो जुमलेबाजी से दूर रहना चाहती है, परेशान है भाजपा के लोगों से, आपके लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने हराने का काम कर दिया, ठीक है, सफाया होने जा रहा है। समझ गया आपका अर्थ आ गया है, और बोलिए बोलिए
अभी घनश्याम भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि ओमवीर जी और अरशद भाई शायद ये कह दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अधिक प्रतिक्रिया हो गई है, तो वो भी दूर नहीं होगा जब ये कह देंगे कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं। नहीं देखिए मैं ये सर आप लोगों ने बहुत कैंपेनिंग की है, बहुत शोर मचा लिया सर। पांडे जी ने, ओमवीर भाई, पांडे जी ने समाजवादी पार्टी की बात कह दी, युवाओं के प्रति सोच क्या है, आशुतोष बोल रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी की कही है, बीजेपी को सर, पाठक जी ने कांग्रेस के लिए बोला, समाजवादी पार्टी के लिए बोला, बहुजन समाज पार्टी के लिए बोला, बीजेपी के लिए नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं तो कह दिया आपने वही बात जो आशुतोष कह रहे थे, वही बात आपने कह दी, परोक्ष रूप से कह दी, कह दी, ठीक है, डर रहा हूँ, ठीक है, जो भी बात सुनिए, डरो मत, ठीक है, ठीक है, सुनिए आप बेबाक बात कीजिए, ओमवीर जी बीजेपी के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, सुनिए, यही पत्रकारिता तो होनी चाहिए, मीडिया पत्रकारिता समाज का दर्पण एकदम। आप ज्ञान क्यों देने लग जाते हैं सर, ज्ञान क्यों देने लग जाते हैं सर, बोलने को दीजिए। पाठक जी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ओमवीर जी के बारे में आप ही के मन की बात कर रहे हैं, आप ही के मन की बात कर रहे हैं। माननीय कौशल किशोर जी, माननीय, ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार एक ही पार्टी को वोट देते हैं। अरे सर, सारे पत्रकार एक पार्टी को लाइक करते हैं। अरशद भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमने देखा है कि बड़े बड़े पत्रकार जो हैं माननीय अलग अलग पार्टियों राज्यसभा चले जाते हैं, भाई अरशद भाई मंत्री बन जाते हैं और तो भारत सरकार में मंत्री बन जाते हैं। अरशद भाई म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है, पत्रकारों को जानता हूं, अरशद भाई म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब आपकी आवाज नहीं आ रही, भाजपा के लिए सर आवाज नहीं आ रही है, जाया मत करिए मेहनत अपनी, बोलिए आशीष। अरशद भाई, ओमवीर जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं भाजपा पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं, जरा ध्यान तो रखिए। कौशल किशोर जी कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बीजेपी के अब मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, भाई अरशद जी और भाई ओमवीर जी, आप दोनों से कहीं ज्यादा देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, ये सुन लीजिए, और उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर आदरणीय मोदी जी ही हैं, और आदरणीय मोदी जी आपके निशाने पर हो ना हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा के निशाने पर, भारतीय जनता पार्टी के ही निशाने पर हैं। बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं कि दो ही नेता प्रचार कर रहे हैं, कौन दो नेता, एक नरेंद्र मोदी जी और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, ये उनकी लड़ाई उनकी पार्टी के अंदर है। अगर बीजेपी लूज करती है तो सबसे बड़ी समस्या मोदी जी के लिए होने वाली है, वो भी पार्टी के अंतर्गत। ये और बात है कि खुल करके अभी कोई सामने नहीं आया, क्योंकि 282 सीट के साथ केंद्र में है, लेकिन इसका इंपैक्ट पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत घमासान होने वाला है। और कौशल किशोर जी इसका जरा जवाब दे दें, आप पार्टी कहते हैं कि हम ना धर्म की बात करते हैं, ना राजनीति, ना जात की बात करते हैं, पूरे कैंपेन में आपने, आपके विनय कटियार साहब ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं, पांचों फेस की बात ज्यादा, पांचों फेस की बात ज्यादा। आपको उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिलता है, आप किस तरह की राजनीति का शुरुआत कर रहे हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में आपने लीडरशिप को खत्म कर दिया, एक भी नेता नहीं, आपको मेहनत से नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चाहत रखते हैं, आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे, मुझे वाइंड अप भी करना है, ठीक है। कौशल किशोर, कौशल किशोर, विकास की बातें करते करते साहब आप राजनीति की उसी दूरी पे पहुंच गए जहां जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता ना आपका, हमने देखा बयानों के जरिए, पोलराइजेशन एक्सपर्टीज है आपके पास, अखिलेश यादव जी को सर सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए ना, कौशल किशोर को बोलने दीजिए, बोलिए साहब। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को लेकर, सबका विकास सबका साथ को लेकर के चुनाव मैदान में गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं, और जनता ने उस बात को स्वीकारा, और जनता ने जब उसको एक्सेप्ट किया तो जनता ने उसको वोट भी देने का काम किया। अब अगर आप ये कहें कि कोई चेहरा नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि किसी चेहरों को प्रस्तुत करके
चुनाव लड़ने का काम बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दों को लेकर के, अपने विकास के कामों को लेकर के, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे, उन सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में और इसलिए चुनाव में जिस तरह गई है उसको एक्सेप्ट किया है। प्रदेश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश की जनता भारी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। बीजेपी की अभी काउंटिंग होनी है, अभी काउंटिंग होनी है, 11 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। आपस में जो लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उससे अब सीटों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कौन कितनी सीटें जीतेगा उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मत, सर 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 एक साथ रामेश्वर पांडे जी आखिरी कॉमेंट सर, समय नहीं है सर, सर समय नहीं है और अब 11 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, साफ साफ सामने आ जाएगा किसकी सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, अब किसी से घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को बुलाएंगे, इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे, मिठाई खुलाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे, आप भी समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री साहब अर्षद आबिद बोल रहे हैं मिठाई खिलाने के लिए, अर्षद आबिद बोल सर, अर्षद आबिद बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, रामेश्वर पांडे जी आखिर में आखिरी कॉमेंट सर आप ही से चाह रहा हूँ सर, अगर प्रधानमंत्री मोदी कमान संभाल ले प्रदेश में तो प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने 2.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को पेश करना होगा सर, क्या उसी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से आकलन भी हुआ है क्या? देखिए प्रचार करना सर, पांडे साहब प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या कोई भी पार्टी का कोई भी ये अगर प्रचार करता है तो उसी में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री प्रचार क्यों कर रहे हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार क्यों कर रहे हैं। पार्टी एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में लगी है सर, सर सर वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझा, पांडे जी आप ही से, मोदी जी को वहाँ पर 3 दिन रुकने की जरूरत, शोर बहुत ज्यादा मैं समझ रहा हूँ सर, आप ही से सवाल है सर, 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के उसके हिसाब से आकलन होगा क्या? ठीक है सर, सर सर कुछ कौन सर, वाराणसी के सर ये बातें हो गई, सर ये बातें हो गई सर, अब मतदान नहीं हो रहा है, अब मतदान नहीं हो रहा है। 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए गए थे माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है ओमिर भाई क्या हुआ सर, उन्होंने ओमिर भाई, ओमिर जी, ओमिर जी, ओमिर जी हो गया सर, हो गई बात है, कौशल किशोर साहब नहीं चाहिए जवाब। ठीक है पांडे जी बोलिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्तरहीन चुनाव हुआ है, उम्मीद थी खामोश रहे मेरे मित्र, मैं अपनी बात सर बोलिए 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 सर, समय मेरे पास कम है कि भाजपा केंद्र सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनाव मैदान में आएगी, अखिलेश रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनाव मैदान में आएंगे, बुंदेलखंड की जनता को बताएंगे कि क्या किया, पूर्वांचल की जनता को बताएंगे क्या किया, लेकिन दूसरे फेज पहले फेज से ही बल्कि दूसरे फेज से जुमलों जितनी जुमलेबाजी मोदी पर आरोप लगता है उससे ज्यादा जुमलेबाजी राहुल गांधी ने की है, अखिलेश ने की है। तो राहुल गांधी जी ने कोई जुमलेबाजी नहीं की, पांडे जी मेरी बात सुनिए, और राहुल ने ज्यादा हैरत की बात, नीयत और नीति में फर्क नहीं है, उनकी नीयत भी अच्छी है, उनकी नीति भी अच्छी है, सर आपने इसकी भाषा भी समझे और मुख्यमंत्री भी वही रहता है बनारस की, बताइए 15 मार्च पे किसी ने कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बहुत शुक्रिया, बताइए महिला सशक्तिकरण सुन लेते हैं, जरा कुछ कह रहे सिद्धार्थ सिंह कुछ कहना सुन लेते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जोर से जो आवाज उठाई उनका कहीं ना कहीं जो एक रुझान था मुस्लिम महिलाओं का वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखने लगा, और वो इसलिए कहीं उनको घर वालों ने या पुरुषों ने रोका है और वोट उन्होंने डाला नहीं, ये भी मैंने अपने चुनाव में जरूर देखा और इलाहाबाद और कौशाम्बी और प्रतापगढ़ एरिया में भी ये देखा। अच्छा इस बार हमने देखा कि भाजपा ने पिछड़ों को काफी प्रोजेक्ट किया है, चेहरा एक तरीके से देखिए मैं ये मानता हूँ कि हमने कभी उस प्रकार की राजनीति नहीं करी कि पिछड़े हैं या शरण समाज के हैं या किसी किसी और जाति के, भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे उसका जो विजय रथ चला या जो तो बहुत उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को चर्चा में आने के लिए जुड़ने के लिए, लेकिन इंतजार अभी 2 दिन का है, 11 मार्च को परिणाम साफ हो पाएंगे और इस बहस और आरोप प्रत्यारोप का असल में वोटों में कितना असर हुआ ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए नमस्कार।